लगता है कि कपूर खानदान को किसी की नजर लग गई है। फिर से एक बार कपूर खानदान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल बॉलीवुड भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक वेटरन बॉलीवुड एक्टर रणधीर कपूर को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सोर्सेज के मुताबिक 74 साल के रणधीर कपूर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पाए गए हैं और फिलहाल उनकी हालत को लेकर अभी तक ज्यादा इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि कपूर परिवार इन दिनों दिवंगत एक्टर राजीव कपूर, जो रणधीर कपूर के छोटे भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी विवाद को लेकर चर्चाओं में था। दरअसल तलाकशुदा राजीव की कोई संतान नहीं है और उनकी प्रॉपर्टी का मामला कोर्ट में है। सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रणधीर कपूर और रीमा जैन से अंडरटेकिंग मांगी, जिसमें उन्हें राजीव की डिवोर्स डिक्री खोजकर जमा करने के लिए कहा गया। हालांकि इस बीच रणधीर कपूर के कोरोना होने की न्यूज सामने आने के बाद अब उनके फैंस घबरा गए हैं। आपको बता दें कि शोमैन के नाम से मशहूर एक्टर राज कपूर साहब की 5 संतानों में से 3 का निधन बीते 16 महीनों में हो चुका है। 3 भाइयों में से सिर्फ रणधीर ही बचे हैं। उनके मंझले भाई ऋषि कपूर का निधन 2 साल तक कैंसर से लड़ने के बाद 30 अप्रैल 2020 को मुंबई के एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में हो गया था और फिर 9 फरवरी 2021 को हार्ट अटैक से छोटे भाई राजीव कपूर का निधन हो गया। और बहनों की बात करें तो एक बहन रितु नंदा का निधन 14 जनवरी 2020 को दिल्ली में हुआ था और वो भी कैंसर से पीड़ित थी। हालांकि रणधीर कपूर की हेल्थ को लेकर फिलहाल कपूर खानदान का कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस खबर के आने के बाद से रणधीर कपूर के चाहने वालों में जरूर टेंशन का माहौल बन चुका है। वेल, अब देखते हैं कि रणधीर कपूर की हेल्थ को लेकर कब तक कोई नई अपडेट आती है और हम रणधीर कपूर के जल्द अच्छे होने की कामना भी करते हैं। Get well soon. बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।